नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जीवन जीने की कला में। आइए आज के इस एपिसोड के माध्यम से जानते हैं मल्टीग्रेन चिल्ला रेसिपी बनाना। जी हाँ, अगर आप हर रोज एक जैसा ब्रेकफास्ट खा करके बोर हो चुके हैं और कुछ अलग और स्वादिष्ट ट्राई करना चाहते हैं तो मल्टीग्रेन चिल्ला आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है। मल्टीग्रेन चिल्ला एक आसान ब्रेकफास्ट रेसिपी है जिसे आप घर पर आसानी से बिना ज़्यादा मेहनत के कम समय में बना सकते हैं। इस चिल्ले को और स्वादिष्ट और क्रिस्पी बनाने के लिए आप इसमें वेजिटेबल्स भी मिला सकते हैं। ब्रेकफास्ट में खाने के साथ साथ आप इसे लंच बॉक्स में पैक करके भी ले जा सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इसको बनाने के लिए आवश्यक सामग्री क्या क्या चाहिए होगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि ऐसी अन्य नई जानकारी जब भी हम लेकर के आएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। अब नोट कीजिए कि आपको क्या क्या सामग्री चाहिए होगी। आपको 1/4 कप गेहूं का आटा चाहिए होगा। इसके अलावा 1/4 कप काले बाजरे का आटा चाहिए होगा। 1 टीस्पून अजवाइन और 1/4 टीस्पून हल्दी चाहिए होगी। 2 चुटकी नमक और 1/4 कप बेसन, 1/4 कप पानी चाहिए होगा। इसके अलावा 1 ग्रेटेड ऑनियन चाहिए होगी। इसके अलावा 1/2 चम्मच आपको लाल मिर्च पाउडर और 2 चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल चाहिए होगा आपको। ये अगर आप एक इंसान के लिए बना रहे हैं, एक आदमी के लिए बना रहे हैं तो इतनी सामग्री आप ले लीजिए। इस ब्रेकफास्ट डिश को घर पर बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में गेहूं का आटा, बेसन और काले बाजरे के आटे को आपस में मिक्स करना है। प्याज को ग्रेट करके अलग रख लेना है। अब इसे आटे के मिश्रण में हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, अजवाइन, ग्रेटेड ऑनियन और नमक डाल करके आपस में अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद इसमें पानी डाल करके गूंथ कर जब तक कि एक थिक पेस्ट न बन जाए आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद सभी सामग्रियों को आपस में मिला करके एक बैटर बना लेना है। यह ध्यान रखें कि बैटर मोटा होना चाहिए। जब बैटर बन जाए तो इसे ढक्कन से ढक करके 10 से 15 मिनट के लिए अलग रख दें ताकि अच्छे से आपस में ये मिक्स हो जाए। इसके बाद मीडियम आंच पर एक पैन गर्म कर लीजिए। इसमें 1 टेबल स्पून आप ऑयल और 3 टेबल स्पून बैटर डाल दीजिए। बैटर को चम्मच से सर्कुलर मोशन में चलाते हुए पूरे पैन में फैला लीजिए। ऊपर से थोड़ा तेल डालिए और इसे पलट लीजिए। चिल्ले को दोनों साइड से बराबर सेंक लीजिए, लेकिन ध्यान रखिए कि यह जले नहीं। जी हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जब इसका रंग हल्का ब्राउन हो जाए और यह क्रिस्पी दिखने लगे तब इसे पैन से निकाल लीजिए। बाकी चिल्ला भी इसी विधि से आप बना लीजिए। आखिर में धनिया पुदीने की चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ सर्व कीजिए और खुद भी इसका आनंद लीजिए। बहुत ही टेस्टी रेसिपी ये बनती है। इसको बनाने के लिए आपको ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। बस इसका जब आप बना लें और आपको टेस्ट मिल जाए तो हमें ज़रूर बता दें कमेंट्स के माध्यम से कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। साथ ही साथ आप कोई अच्छी रेसिपी बनाना चाहते हैं तो वो हमें लिख भेजें, कमेंट्स बॉक्स में छोड़ दें अपने नाम के साथ, हम आपके नाम के साथ उसे लोगों तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ आप सभी से एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स अवश्य करें ताकि अन्य लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच पाए। और ये तभी संभव है जब आप सभी लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करेंगे, तो कर दीजिए। इसके बाद मिलते हैं आप सभी से नए एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।